हमारे दरमियान एक ऐसे मजलूम शौहर मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि मैंने बीवी को ऐसा दबा के रखा है, मेरी इजाजत के बगैर तो बीवी सांस भी नहीं ले सकती। तो हमारे दरमियान मौजूद हैं एक मजलूम शौहर। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया है आपका घर के बाहर मुझे इज्जत देने का, लेकिन हमें पता नहीं था कि हम बकरी बन जाएंगे। शादी पसंद की थी? हाँ, ना पसंदीदगी की हद तक। कैसे इब्तिदा हुई मारपीट की? असल में जो मेरी बीवी थी ना, वो मेरे घर में अपनी चलाती थी जुबान। ये चलाती थी बहुत। जब मेरी बारी आती तो कहती थी बाद में बात करेंगे, वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। अच्छा, हाथापाई हुई कभी बीवी से? हाँ हुई थी। पहले राउंड में मैं हेलमेट खरीद के ले आया। असल में माँ के पांव तले जन्नत और बीवी के पांव तले जूती होती है। कैसे शक हुआ कि बीवी मारेगी? वो तेवर ही कुछ ऐसे थे। वो कहते हैं ना, औरत अपनी बात से और घोड़ी अपनी लात से पहचानी जाती है। गाना गाओ तो कहती इतनी बुरी आवाज, तोहफा लाओ तो कहती इतना घटिया, इतना घटिया तोहफा, इससे अच्छे तो मेरे भाई लाते हैं दुबई से। क्यों लगोगे? शादी के 6 माह बाद ही वायरस आ गया था, सिस्टम को अपडेट करवा लिया था, और इस तरह से हमारी जो गुफ्तगू थी, वो नशरियात जो थी गुफ्तगू की, वो पूरे महल्ले में डायरेक्ट सुनी जाने लगी।